नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल यंग गर्ल्स में, इन लेडीज़ में एक बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, PCOD मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। यदि बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँ तो PCOD एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ओवरी बहुत सारी मात्रा में इमेच्योर एग प्रोड्यूस करने लगती है और ये इमेच्योर एग सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ओवरी का साइज बढ़ जाता है और उससे जो ओवरी से मेल हार्मोन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगती है, जैसे कि एंड्रोजन। उससे पेशेंट या फीमेल को इनफर्टिलिटी हो जाती है, उसके हेयर लॉस होने लगते हैं, वेट गेन हो जाता है और उसके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी से कनेक्टेड एक और टर्म है PCOS मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं, जिससे पेशेंट को प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ दिखने लगती है बॉडी के अंदर, वेट गेन हो जाता है और धीरे धीरे ये जो समस्या होती है यह लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ में, हार्ट डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर अब मैं PCOS और PCOD के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, इसमें पेशेंट का मेंसेस इरेगुलर हो जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाती है या उसका मेंस्ट्रुएशन आता ही नहीं है। नंबर टू, किसी किसी पेशेंट को बहुत हेवी ब्लीडिंग मिलती है और वो ब्लड भी निकलता है और मेंसेस में क्लॉट भी निकल सकते हैं। नंबर तीन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स की शिकायत रहती है, उसको फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे और शोल्डर पे एक्ने मिलते हैं। नंबर चार, पेशेंट को पूरे शरीर में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ की समस्या भी देखी गई है, इसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, ये भी हार्मोन के इम्बेलेंस के कारण हो जाती है। नंबर पाँच, पेशेंट को एबनॉर्मल हेयर लॉस भी देखा गया है, उसके स्काल्प के हेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ना शुरू हो जाते हैं। जिन महिलाओं में PCOS और PCOD की शिकायत होती है, उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में फ्लूड भरे हुए पॉकेट दिखाई देते हैं, उन्हें हम सिस्ट कहते हैं। इन महिलाओं में एक चीज़ और देखी गई है कि उनकी स्किन में डार्कनिंग हो जाती है और शरीर में डार्क कलर के पैचेस हो जाते हैं और एक चीज़ और है कि उनका वेट एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली उनके ब्रेस्ट में, और उनके बटक्स भी हेवी होना शुरू हो जाते हैं। PCOS और PCOD के केस में यदि उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर नहीं किया गया, सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर वन, फीमेल में इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है क्योंकि उनका ओवुलेशन कम हो जाता है, उससे एक फुल फॉर्म मैच्योर एग ही डेवलप नहीं होता, तो उनको इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है। नंबर टू, पेशेंट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, उनमें हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है, उसके कारण उनको डायबिटीज़, थायराइड या CVD या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। नंबर तीन, यदि कोई फीमेल PCOD के बाद कंसीव भी कर लेती है तो उसको प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है, प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी हो सकती है या अबॉर्शन भी हो सकता है। पेशेंट को मेंटल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, उसका मूड स्विंग होने लगता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, उसको भूख ज़्यादा लगने लगती है, पेशेंट की एंग्जाइटी बढ़ जाती है और डिप्रेशन का शिकार भी वो हो सकता है। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन और देखा गया है कि पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है, उसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है और वो क्लॉट फॉर्म में भी निकल सकता है। इसमें दो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा मार्क्ड होते हैं। नंबर वन, USG या सोनोग्राफी, इसमें पेशेंट की ओवरी का अपीयरेंस दिख जाता है कि वो एनलार्ज हो रही है, उसमें सिस्ट दिख रहे हैं, पाउच दिख रहे हैं, और सेकंड, जो यूट्रस की जो अंदर की लीनिंग होती है वो थिक हो जाती है। नंबर टू टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, इसमें हम हार्मोन का लेवल देखते हैं, इसमें एंड्रोजन का यदि लेवल ज़्यादा मिलता है तो भी PCOD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर यदि मैं प्रिवेंशन की बात करूँ तो दोस्तों, PCOD के केस में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए यदि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, सेडेंट्री लाइफ यदि आप जी रहे हैं, तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। आप घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, किसी भी तरह की अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए। आप जॉग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कम्फर्टेबल है, या आप चेंज कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सरसाइज का और बॉडी फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों।
नंबर टू, आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना है, और आपको प्रिजर्व फूड हैं, जंक फूड हैं, या जो प्रोसेस फूड हैं उन सबको अवॉइड करना है, वो सब आपको नहीं खाना है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है, स्लीप प्रॉपर लेना है, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन आती है पल्सेटला। दोस्तों इस मेडिसिन को होम्योपैथी में फीमेल रेमेडी भी कहा जाता है, और इसका जो भी हार्मोनल इम्बेलेंस हुए हैं शरीर में उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। जब पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा उसका मूड स्विंग होता रहता है, उसको वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, मतलब वो बात बात पर रोने लगता है, और उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, उसको बहुत सफोकेटिव फील होता है, उसको हमेशा फ्रेश एयर चाहिए होती है, उसकी पानी की प्यास भी कम होती है, यदि ये सारे सिम्टम्स मेंटल मिल रहे हैं और फिजिकल मिल रहे हैं, और साथ में उसको सप्रेस मेंसेस भी है, मीन्स मेंसेस उसका आता ही नहीं है, यदि आता है तो एक दो दिन के लिए आएगा, या बहुत ही कम मात्रा में स्कैंटी आएगा, या मेंसेस पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, या आया ही नहीं है, इन सारी कंडीशंस पे पल्सेटला देने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन होती है सीपिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को मेंसेस आता तो है लेकिन इसका भी इरेगुलर होता है, या तो उसका प्रीपोन्ड हो जाएगा और स्कैंडी होगा, या पोस्टपोन्ड हो जाएगा और उसका बहुत प्रोफ्यूज भी मिलता है। इसमें भी मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कोई भी साइकिल यदि इरेगुलर हुई है तो हार्मोन गड़बड़ हुए हैं, उससे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। इसलिए ये जो पेशेंट होती है बहुत डिप्रेशन में होती है, बहुत सैड होती है, ये कभी भी आपको खुश नहीं दिखेगी। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो सीपिया। हाँ, और इसमें एक सिम्टम्स और आता है कि पेशेंट को इनके साथ साथ डार्कनिंग ऑफ स्किन भी आना शुरू हो जाती है, उसको फोल्ड पे उसको डार्कनिंग मिल सकती है, उसको फेस पे पैचेस मिल सकते हैं। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो सीपिया दे सकते हैं। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को ओवरी रीजन में स्टिंगिंग पेन भी होता है साथ में, और पीसीओडी के बहुत ही मार्क्ड सिम्टम्स यदि इसमें मिलते हैं, और पेशेंट को छूने पे भी यदि दर्द हो रहा है, और साथ में मेंसेस की इरेगुलरिटी है, तो एपिस मेलिफिका के रिजल्ट्स अच्छे हैं दोस्तों। अब इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है लैकेसिस। ये मेडिसिन हम थोड़ा सा लेट एज की लेडीज़ को भी दे सकते हैं, लेट एज की लेडीज़ में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें पेशेंट को इरेगुलर मेंसेस तो मिलना ही है, साथ में इसको डार्कनिंग ऑफ फेस भी मिलता है, उसको डार्क हो जाता है फेस उसका, और पेशेंट को बहुत ही सफोकेटिव फील होता है, वो टाइट क्लॉथिंग अपने नेक के अराउंड या अपने कमर के अराउंड बिल्कुल भी नहीं पहन पाता है। इसमें पेशेंट को पीसीओडी के साथ साथ उसकी मैमी, मतलब उसके ब्रेस्ट भी पेनफुल होंगे, उनमें स्वेलिंग फील होती है पेशेंट को, और पेशेंट के लेफ्ट ओवरी में बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है, और साथ में उसको कमर में भी दर्द होता है। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, और आपके पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स को समझने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।